नमस्ते मेरा नाम अनु है और अब हम करेंगे हाउ फ्री इज़ द प्रेस माने कितने आज़ाद हैं हमारे हमारी जो प्रेस है हमारे न्यूज़पेपर्स हैं हमारे टेलीविजन स्टेशंस हैं अच्छा जो हमें न्यूज़ पहुँचाते हैं पर हम करेंगे पेज सेवेंटी वन और पैराग्राफ सेवन जो लास्ट पैराग्राफ है द सेकेंड चीफ़ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज़ द वेल्थ ऑफ द मैन और कंपनी दैट ओन्ट अच्छा जो रेवेन्यू होता है माने जहाँ से पैसा मिलता है पेपर को तो को एक तो उनकी सेल्स होती हैं जो um, पेपर बिकता है जिनको अच्छा सेकंड वाला जो बोलते हैं चीफ सोर्स माने जो बड़ा वाला सोर्स uh, है जो जो कंपनी uh, या जो आदमी uh, पेपर uh, का मालिक है हुँ? वो इज़ द वेल्थ ऑफ द मैन जो मालिक है उसके पास कितना पैसा है पेपर उससे भी चलता है क्योंकि मालिक मैं शायद डिसाइड कर सकता है कि मैं अपना पैसा पेपर को दूंगा या नहीं ठीक है तो वहाँ से भी पेपर को पैसा मिलता है

माने अच्छा जो लगता है खराब जो लगता है पर्सनल माने अपना और स्पाइट्स जो अच्छा नहीं लगता है तो उससे लार्जली डिटरमिन उससे फ़र्क पड़ता है है ना कि क्या छपेगा नहीं छपेगा एंड पॉलिटिकल एम्बिशंस माने अगर जो मालिक है पेपर का उस, उसको पॉलिटिक्स अच्छा लगता है माने राजनीति ठीक है तो उसकी राजनीति की क्या सोच है हाँ प्रोप्राइटर माने मालिक ठीक है तो उससे भी पेपर में क्या छपेगा वो फ़र्क पड़ता है

न्यूजपेपर हाँ आ, अगर फेलियर माने अगर कुछ चीज ना हो टू सिक्योर अ गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट अगर उसे गवर्नमेंट का कुछ जॉब चाहिए था या गवर्नमेंट से कुछ चाहिए था मे बी द सिग्नल फॉर अनलीशिंग तो अगर वो नहीं हुआ उसे नहीं मिला तो अनलीशिंग माने जस्ट छोड़ देना जैसे कुत्ते को जो है आप लीश से पकड़ते हो अगर वो कुत्ते को ना पकड़ो लीश से तो वो अनलीशिंग हुआ तो माने आज़ाद छोड़ दिया ऑफ अ वीरेंट कैंपेन ट होता है माने बहुत ही ख़राब किस्म का जैसे वायरस होता है अगर आपको पता होगा जो जब हम um, बीमार होते हैं तो छोटे छोटे बैक्टीरिया से होते हैं या वायरसेस से होते हैं तो वहाँ से आता है वर्ड विरुलेंट माने वायरस जैसा बहुत ही ख़राब कैम्पेन इन एवरी ऑर्गन माने जो मालिक है पेपर का वो जो भी चीज़ें उसकी इन्फ्लुएंस में हैं जैसे उसका न्यूज़पेपर है शायद उसके पास टी का स्टेशन है शायद वो किसी को जानता है गवर्नमेंट में माने एवरी ऑर्गन जहाँ भी वो जानता है एवरी माने हर और ऑर्गन माने जैसे न्यूज़पेपर है टीवी स्टेशन है आ, ऐसे ठीक है विच ही कंट्रोल जो उसके कंट्रोल में है, अगेंस्ट द मिनिस्टर माने um, अगर किसी मिनिस्टर ने उसे um, ख़राब किस्म से uh, व्यवहार किया किया हो उसके साथ और द पार्टी या जिस पार्टी ने उसके साथ ख़राब किस्म का व्यवहार किया हो विच हैज़ डिसअपॉइंटेड हिज़ एम्बिशंस एम्बिशंस माने जो आदमी चाहता है जैसे मेरा मेरा एम्बिशन है कि मैं आपके लिए वीडियोज़ बना बताऊँ बनाऊँ ताकि आपको ये इंग्लिश का चैप्टर समझ में आए ये मेरा छोटा सा एम्बिशन है पर बड़े बड़े भी एम्बिशन हो सकते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर बनना चाह अगर आप आप में से एक प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो या प्रेजिडेंट बनना चाहते हो ऐसा होता है एम्बिशन्स द पब्लिक नोइंग नथिंग ऑफ द पर्सनल बायस तो वो जो पेपर है वो सबके पास जाता है पब्लिक के पास भी जाता है पब्लिक को जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं newspaper पेपर के मालिक के वो पता नहीं है पर्सनल बायस माने आ, जो उसे ख़राब लगता है जो अच्छा लगता है हाँ huh? बिहाइंड द अटैक माने जो आक्रमण कर रहा है न्यूज़पेपर का जो मालिक है मिनिस्टर पे या पार्टी पे अटैक ठीक है आक्रमण एंड लिटिल ऑफ द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंट्रोल तो um, जो पूरा नेटवर्क है उसके कंट्रोल में शायद पेपर है शायद कोई मिनिस्टर है शायद कोई टीवी स्टेशन है वास्ट माने बहुत बड़ा नेटवर्क विच टाइज अप होल ग्रुप्स ऑफ द लंडन एंड प्रोविंशियल प्रेस ठीक है तो जो um, Uh, uh, क्या वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है पब्लिक को um, जो ये मिनिस्टर के सारे पहुँचे हुए कनेक्शंस हैं कुछ भी मालूम नहीं है और ये जो है बहुत लंडन uh, की जो प्रेस है यू um, नो uh, you know, इसके ऊपर चलती है और प्रोवेंशियल माने जो छोटी छोटी प्रेस होती हैं प्रोवेंशल माने स्टेट्स जैसे uh, हमारे स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश है उत्तराखंड है, है पंजाब है प्रोवेंशल वो होता है इन हैंड्स ऑफ अ सिंगल मैन एक ही आदमी के हाथ में और कंबाइन सीज ओनली दैट ग्रेट नंबर ऑफ व्हाट अपीयर टू हिम टू बी इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स आर यूनाइटेड इन अ सिंगल सैवेज एंड परसिस्टेंट कॉन्डमिनेशन तो वो आदमी जो है वो देखता है कि एक आदमी या दो तीन आदमी कंबाइन करके जो है और इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स माने इंडिपेंडेंट माने आज़ाद जैसे आ, अलग एक्चुअली इंडिपेंडेंट इस इस कॉन्टेक्स्ट में अलग होता है माने पेपर है न्यू ये अपना टेलीविजन स्टेशंस हैं या कुछ भी बातचीत है अच्छा तो वो अलग अलग आर यूनाइटेड माने टुगेदर यूनाइटेड माने सब साथ में इन अ सिंगल सैवेज सिंगल माने एक ही आक्रमण सैवेज बहुत खराब तरीके से आक्रमण एंड परसिस्टेंट माने होता ही जाए होता ही जाए ठीक है कॉन्डमनेशन वो भी जैसे आक्रमण अटैक जैसा है अनलेस ही इज एक्सेप्शनली श्रूड तो जो कॉमन मैन है जो आम आदमी है अगर वो बहुत ही स्मार्ट है और बहुत ही जैसे चालाक है श्रूड माने चालाक एक्सेप्शनली सिनिकल सिनिकल वो होता है जो आदमी ऑलवेज बोलता रहता है बोलता रहता है कि खराब ही होगा uh, कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जो कभी कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते हैं वो सिनिकल होते हैं और ऑफ एक्सेप्शनली रेजल्यूट एंड इंडिपेंडेंट माइंड और इंडिपेंडेंट माने एकदम आज़ाद और रेजल्यूट माने उसने डिसाइड कर लिया है तो अगर ऐसा कोई आम आदमी है जो बहुत चालाक है जो बहुत सिनिकल है माने ऑलवेज नेगेटिव सोचता है और उसने डिसाइड कर लिया है और बहुत आज़ाद है तो रेजोल्यूट एंड इंडिपेंडेंट ही कैन स्केर्यर्यर्यर्यर्यसली हेल्प बींग इन्फ्लुएंस अगर ऐसा आदमी नहीं है बाकी का आम आदमी है तो फिर ही कैन अगर इतना बड़ा आक्रमण हो रहा है सारे पेपर सेम चीज लिख रहे हैं तो फिर आम आदमी तो इन्फ्लुएंस होगा ही एंड हैविंग हिज वोट इन्फ्लुएंस और उसका वोट भी इन्फ्लुएंस होगा वो सब पढ़ के सोचेगा मैं इस पार्टी को या इस आदमी को वोट ना दूँ एंड इट्स ऑल्स दैट ही विल नेवर रियलाइज और ऑल्सो उसे कभी रियलाइजेशन नहीं होगा कभी सोचेगा भी नहीं द नेचर ऑफ द प्रेशर जो प्रेशर है ब्रॉड टू बेयर अपॉन हिम माने जो उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है ये सारे न्यूज़पेपर से सारे टेलीविजन स्टेशन से जो वो पढ़ रहा है जो वो देख रहा है टीवी पे वो शायद हो सकता है कि एक न्यूज़पेपर मालिक या दो तीन न्यूज़पेपर मालिक के ने किया हो पर उसे आम आदमी को नहीं पता पता चलने वाला है इसके बारे में ठीक है तो वो जो वो पढ़ेगा जो वो देखेगा वो सोचेगा कि यही सच है और आ, वो वोट उसके हिसाब से देगा लेखक ये काम कहना चाहता है ओके तो ये हमारा लेसन एंड हुआ यहाँ